हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं बस्तर वाले। अब मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये गांव है सोनाबेड़ा और काफ़ी समय हो गया हमने इस चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। और छोटे मोटे शॉर्ट्स वगैरह तो डाले हैं लेकिन कुछ वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है। काम तो बहुत किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो साथी हैं जो जॉब करते हैं, इवन मैं भी कुछ एक जॉब करता हूँ और कुछ स्टूडेंट है, कुछ खेती किसानी करते हैं। बिजी चल रहा था मैं, इस वजह से वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। लगभग मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने हो गए लगभग हमने इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरे पीछे देख रहे हैं इमली का पेड़ है और काफ़ी इमली फला हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं वीडियो को और आप लोग से एक शिकायत भी है कि एनालाइज सेक्शन है उसे जब चेक किया तो काफ़ी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और उस पर काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसको प्रेजेंट करने में और अलग अलग प्लेसों में जाके इस तरह के वीडियो बनाने में मेहनत का काम होता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो, क्योंकि देखिए हम कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बस्तर को हम किस तरह से अच्छे तरीके से दिखा पाए, बस्तर को हम अपनी आंखों से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारे दिल में है उस बात को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि बस्तर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का वातावरण और यहाँ की कल्चर, खान पीन। तो कोशिश यही है कि हम उसको उस तरह से दिखा पाए आप लोगों तक और आप लोगों को मज़ा आए। हम ब्लॉग अपने आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा नहीं है। हम अपने आँखों को खोलेंगे, यानी अपने जो मन की आँख है उसे खोलेंगे और देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे आसपास इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, लोग हैं और पर्यावरण है जो इतनी खूबसूरत होती है कि देखने में बहुत मज़ा आता है और उनसे ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहाँ जाते हो? मछली पकड़ेगा? हाँ, देखिए मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, तो देखिए इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती है। तो हम चलते हैं उनके साथ जो मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, कहाँ जाते हैं? तालाब में वो मोर सामान छूटे। हाँ, ये तो लेके आता मैं। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा अच्छा ब्लॉग आप लोगों के सामने लेके आए। देखिए किस तरह का फूल है, जुगाड़। यही एडवेंचर है लाइफ में। इधर से चलते हैं। पेड़ के सारे जलेंगे, थोड़ा वीडियो ही लेगा क्योंकि मेरे पास कोई गिम्बल वगैरह नहीं है। और मेरे साथ पीछे नज़ारा भी देखते जाइए, ये सारे खेत हैं, धान के खेत। अभी गर्मी का फसल किसी ने लगाया नहीं है। लोग दिख रहे हैं मुझे, चीन का पेड़ दिख रहा है, महुआ है, महुए में फूल आते हैं, लोग उसे बीन रहे हैं। मतलब ये लोकल भाषा में बिनना बोलते हैं, जिसे एक हिंदी में बोलेंगे इकट्ठा कर रहे हैं। और महुआ बस्तर में बहुत
इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कल्चर का और संस्कृति का, जिससे केवल दारू के रूप में नहीं, ये ओवरऑल पूरे कल्चर को दर्शाता है। और अभी जंगलों में जब घूमेंगे ना इस समय, तो आपको एक खुशबू महसूस होगी, वो रहेगी महुआ की, क्योंकि पूरे जंगलों में महुआ ऐसे घिरा रहता है और उसे गांव वाले इकट्ठा करते हैं और उसे अपने घर में लाके सुखाते हैं। इस तरह से उनका जीवन यापन चलता है और कल्चर का पार्ट तो है ही, क्योंकि किसी भी रिचुअल में, देवी देवताओं में इस तरह से योग में किया जाता है। बस्तर की यही खूबसूरती है, यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन इतना बड़ा दिल है ना, जिसको कोई आप जान नहीं सकते। हम जस्ट आए हैं मिलने के लिए और इन्होंने हमारे लिए मछली पकड़ने का इंतजाम कर लिया और मछली पकड़ के खिलाएंगे। हाँ भाई, मछली है, मैं मछली काय मछली है, मछरी चिड़ैया नी बनी सियन सजन बड़े ननी सियन सजन बड़े ननी रंग रंग जो मनुख दखा वही बस्तर यार, रंग रंग जो मनुख दखा वही बस्तर यार, भाई दल कर भाई निंद्रावत सुमर मजो उनके शरण शरण आए, उनके शरण शरण आए बस्तर दिला जो आदिवासी दे बरसात के बरसात वाले बच्चे तो ये वाला देहाती है क्यों? आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए।